सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टार स्पोर्ट्स एन पी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच में लेकर आ रहा हूँ जैसे लीग का मैच अपडेट के साथ साथ मैच रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें अपडेट का तो आज यानी कि बात करें तारीख का तो 11 जुलाई है, और 11 जुलाई को मुकाबला किसके किसके बीच होगी प्रीमियर डिवीज़न और सुपर डिवीज़न का, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ में दोस्तों, बीते कल यानी कि तारीख की बात करें 10 जुलाई था, और 10 जुलाई को अगर बात करें मैच का प्रीमियर डिवीज़न का, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स के साथ भिड़त हुई थी झारखंड स्पोर्टिंग क्लब का। और इस दोनों टीमों के बीच किस प्रकार मैच हुआ और कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी, और कौन कौन खिलाड़ी गोल करने में सफल हुए, ये चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ। और साथ में दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डूरंड कप से रिलेटेड। जी हाँ, डूरंड कप के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो के आगे तक बने रहें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, बीते कल यानी कि 10 जुलाई को जो मुकाबला खेला गया प्रीमियर डिवीज़न का टाटा मोटर्स बनाम झारखंड स्पोर्टिंग क्लब के बीच, काफ़ी शानदार मैच रहा, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला इस मैच में। जी हाँ दोस्तों, दोनों टीमों की अगर बात करें मौके का, तो दोनों टीमों का बराबर मौके मिल रहे थे शुरुआती दौर में, लेकिन दोनों टीमों की बात करें तो शुरुआती क्षण में गोल नहीं कर पा रही थी। अटैकिंग चार्ज की बात करें तो दोनों टीमों से बराबर हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन ज़्यादातर मौके की बात करें तो टाटा मोटर्स को मिला था, लेकिन टाटा मोटर्स जो गोल नहीं कर पाई। हालांकि स्कोर में फेर बदलाव ज़रूर हमें देखने को मिला, लेकिन बात करें जिस प्रकार मौके मिल रहे थे, उस मौके को लाभ में अक्सर बदल नहीं पा रहे थे दोनों ही टीम। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें दोनों टीमों का, तो दोनों टीमों के स्कोर लाइन की अगर चर्चा करें तो उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ, ये जो मुकाबला हुआ दोस्तों सुमांत मंगलकर स्टेडियम टेल्को पर हुआ, जो कि 3:30 बजे से खेला गया 10 जुलाई को। और स्कोर लाइन की बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की ओर से पहला गोल हमें देखने को मिला साधु मरांडे की ओर से। जी हाँ दोस्तों, और 35वें मिनट में। वहीं बात करें झारखंड स्पोर्टिंग क्लब की टीम वापसी की 53वें मिनट में, जो कि निकास सेंडिल के द्वारा गोल करने के बाद बराबरी की स्थिति पर ला खड़की। और वहीं दोस्तों बात करें, अंतिम गोल देखने को मिला झारखंड स्पोर्टिंग क्लब की ओर से राजाराम हंसदा, जी हाँ दोस्तों, राजाराम हंसदा की ओर से, जो कि 90+1 मिनट में गोल किया। और इस प्रकार जो इस मैच को पूरी तरह से पलटने में इस गोल का अहम भूमिका रही। जी हाँ दोस्तों, अगर फुल टाइम स्कोर की बात करें तो झारखंड स्पोर्टिंग क्लब की टीम जो है 2-1 से टाटा मोटर्स को पराजित करने में सफल हुआ, और इस मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और दोनों टीमों की बात करें तो शानदार मैच खेल रही थी, लेकिन अंतिम समय का परिणाम की बात करें तो झारखंड स्पोर्टिंग क्लब की टीम जो है बाजी मारने में सफल हुई। तो चलिए, अगर बात करें दोस्तों, आज 11 जुलाई है और मुकाबले की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी टफ मुकाबला होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें प्रीमियर डिवीज़न का, तो यहाँ पर जो है टाटा स्टील एक बार फिर से उतरने वाली है। जी हाँ, और वहीं बात करें दोस्तों सुपर डिवीज़न का, यहाँ पर भी एक अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते दोस्तों प्रीमियर डिवीज़न का। जी हाँ, सुमांत मंगलकर स्टेडियम टेल्को पर खेला जाएगा 3:30 बजे से टाटा स्टील बनाम नारवा पहाड़ी स्पोर्टिंग क्लब के बीच, ये मुकाबला आप देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन मैच होने की संभावना है। और वहीं बात करें गोपाल मैदान पर खेला जाएगा सुपर डिवीज़न का मुकाबला, जो कि 3:30 बजे से। अगर टीमों की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर बनाम शिशु दमकम क्लब के बीच ये मैच होगी, और ये भी मैच एक शानदार मैच होने वाली है। खासतौर पर अगर देखा जाए दोस्तों प्रीमियर डिवीज़न का मुकाबला का, तो यहाँ पर टाटा स्टील और नरवा पहाड़ी स्पोर्टिंग क्लब के बीच एक शानदार मैच होने की संभावना है। और जहाँ तक बात करें टाटा स्टील का, तो एक भी मैच अभी तक हारी नहीं है। और नरवा पहाड़ी स्पोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर नरवा पहाड़ी स्पोर्टिंग जो है टाटा स्टील से थोड़ा सा पीछे चल रही है, लेकिन खेल में कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि फुटबॉल चाहे क्रिकेट की बात करें एक अनिश्चितता के खेल होता है, और कौन सी टीम जो है किस समय जो पलटवार करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल अगर बात करें दोस्तों, जिस प्रकार पॉइंट्स टेबल की माने रिकॉर्ड के माना रिकॉर्ड को मानते हुए देखा जाए, तो यहाँ पर टाटा स्टील की टीम नारवा पहाड़ी स्पोर्टिंग क्लब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, लेकिन देखना होगा मैच का फुल टाइम में किस प्रकार रुख बदलती है, चाहे टाटा स्टील जीतने में कामयाब होती है या फिर बात करें नारवा पहाड़ी स्पोर्टिंग क्लब जीतने में कामयाब होती है। एक शानदार मैच होगी दोस्तों सुमांत मंगलकर स्टेडियम टेल्को पर 3:30 बजे से 11 जुलाई यानी कि आज होने वाली है। दोस्तों डूरंड कप से लेकर खबर भी हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, जमशेदपुर रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर अगर देखा जाए तो डूरंड कप में खेलेगी जमशेदपुर की मुख्य टीम। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले
रिजर्व टीम खेलती थी, टीएफए की टीम खेलती थी, लेकिन इस बार की बात करें तो डूरंड कप में खेलेगी जमशेदपुर की मुख्य टीम। जी हाँ, ए टीम खेलने वाली है इस बार का डूरंड कप। दोस्तों अगर बात करें जमशेदपुर रिपोर्ट के अनुसार, तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब आने वाली इंडियन सुपर लीग के 2024-25 सीजन की तैयारी में जुट गई है। जेएफसी का प्री सीजन इस वर्ष भी जमशेदपुर में ही होगा। सूत्र के माने तो जेएफसी का प्री सीजन 15 जुलाई से कदमा स्थित जेएफसी के बेस कैंप प्लेंट लेट में होगा। वहीं जेएफसी की टीम इस वर्ष इंडियन सुपर लीग की शुरुआत से पहले डूरंड कप में भी शिरकत करेगी। जी हां दोस्तों, और इससे पहले जमशेदपुर एफसी की रिजर्व टीम डूरंड कप में खेलती थी, लेकिन 27 जुलाई से शुरू हो रही डूरंड कप से पहले जेएफसी की टीम कई खिलाड़ी को साइन कर चुकी है। संभवत जेएफसी की टीम तीन अन्य युवा खिलाड़ी आशुतोष मेहता, शुभम सडंगी और अजफर नूरानी को भी साइन कर सकती है। डूरंड कप में जमशेदपुर की टीम आर्मी, चेन्नई एफसी और भूटान से भिड़ने वाली है। तो दोस्तों एक अच्छा खबर है, डूरंड कप जो है जमशेदपुर में होने वाली है, 27 जुलाई से प्रारंभ होगी। और वहीं अगर देखा जाए 19 को शहर आएगी डूरंड ट्रॉफी। जी हाँ दोस्तों, डूरंड कप की शुरुआत जमशेदपुर 27 जुलाई से होगी। इससे पहले शहर में डूरंड कप का टूर कार्यक्रम होगा, जो कि 19 जुलाई शहर में फुटबॉल प्रेमियों के लिए डूरंड कप ट्रॉफी को आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। ये अच्छी खबर है और बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर डूरंड कप होने वाली है। और इस बार जो है जमशेदपुर एफ सी रिजर्व की टीम नहीं खेलने वाली है डूरंड कप में, और इस बार खेलने वाली है जमशेदपुर एफसी का ए टीम। तो इसी प्रकार दोस्तों जमशेदपुर में होने वाली है डूरंड कप, और ये एक अच्छी खबर है सभी जमशेदपुर वासियों के लिए, साथ में सभी फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक अच्छा संदेश भी है, क्योंकि यहाँ पर जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा डूरंड कप 27 जुलाई से। तो आशा है दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक, कमेंट और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।